जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 120वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। वचन क्या है? संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले होठों से और छली जीभ से मेरे प्राणों को छुड़ा ले। दोस्तों, ये वचन क्या बताता है हमें? यह वचन हमें बताता है कि जब संकट के समय हम फंस जाते हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, हम परमेश्वर की ओर आते हैं। लेकिन संकट क्या है और संकट कहां से आता है? क्या यह संकट परमेश्वर लेकर आया है? नहीं। क्या परमेश्वर हमें संकट में डालता है? क्या परमेश्वर हमें परीक्षाओं में डालता है? क्या परमेश्वर हमारे जीवन में आजमाइशें लेकर आता है? नहीं, नहीं। हम खुद कारण है आजमाइशों का अपने जीवन में लाने के लिए। हम खुद कारण है दुखों का, संकट का हमारे जीवन में लाने का। हम द्वार खोलते हैं, हम संकट के लिए द्वार खोलते हैं, हम आजमाइशों के लिए, दुखों के लिए, परिस्थितियों के लिए द्वार खोलते हैं। और वो आती हैं और हमारे सामने पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती हैं और हम बेबस हो जाते हैं कि क्या करें, हम क्या करें, हम कहां जाएं। यहां पर भजनकार से एक संकट, एक उसके जीवन में संकट आ गया, और महासंकट, एक ऐसा संकट जिसका कोई रास्ता नहीं है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जिसका कोई समाधान नहीं दिख रहा उसे। इसलिए वो परमेश्वर के पास आता है कि परमेश्वर मुझे संकट से बचा। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर हर तरीके से हमें आशीष देने के लिए तत्पर तैयार रहता है। यहां पर जब भजनकार कहता है कि संकट से मुझे यहोवा बचा, बचा मुझे यहोवा, देखिए परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और संकट से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर संकट में आपको नहीं डालना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परीक्षा में पड़े, लेकिन हम खुद परीक्षा में पड़ते हैं। इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि वचन कहता है कि परमेश्वर सिर्फ संकट से ही नहीं बचाता है, बल्कि हमें उस कारण के बारे में बताता है जिस कारण की वजह से संकट हमारे जीवन में आया है। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है आपको पूरी तरह से संकट से बचाना, लेकिन हम कभी कभी चाहते हैं कि इस पल हमारा संकट दूर हो जाए। हम नहीं जानना चाहते कि संकट आया कैसे है, संकट के आधार क्या है, संकट का जड़ क्या है, संकट की वजह क्या, हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है, मेरे बच्चे, तू संकट की जड़ को, संकट के कारण को जान, ताकि तू जिंदगी में उस संकट को दोबारा अपने जीवन में मत आने दे। हालेलुया। यहां पर जैसे ही भजनकार को पता लगता है कि ये संकट कैसे आया है, मेरे झूठ बोलने की वजह से, ये छली होंठों की वजह से ये संकट मेरे जीवन में आया है। आता भी यही है, आता भी इसी तरीके से है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहन, संकट हम जीवन में अपने आप खुद लाते हैं जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम इस छली जीभ का उपयोग करते हैं धोखे के लिए, स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, तो संकट हमारे जीवन में पैर रखते हुए हमारे अंदर आ जाता है और निकलने की कहीं भी कोई दशा नहीं होती है। परमेश्वर चाहता है वो जीभ जो स्तुति के लिए है, वो होंठ जो आराधना के लिए है। हमने, परमेश्वर ने हमें होंठ दिए हैं आराधना के लिए, स्तुति के लिए। देखिए, परमेश्वर ने क्यों कहा था आदम से कि वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाओ? क्योंकि जैसे ही उसने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, आदम का अपनी जीभ पर नियंत्रण खो गया। वो अपनी जीभ पर नियंत्रण खो बैठा, इसलिए उसे झूठ बोला, इसलिए उसे दोष लगाया, इसलिए वो डर गया। हालेलुया। वो अधिकार जो आदम को मिला था सृष्टि का, वो अधिकार जो धरती का आदम को मिला था, वो अधिकार जो आदम को मिला था जानवरों पर, जंतुओं पर, रेंगने वाले जीव जंतुओं पर, वो अधिकार को भूल गया और उसने अपनी जीभ पर नियंत्रण खो दिया और दोष लगा बैठा परमेश्वर पर। हालेलुया। दोस्तों, यही होता है जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं महसूस करते हैं, जब पाप हमारे अंदर होता है, जब वचन हमारे अंदर नहीं होता है, तो पाप हमसे गलत काम करवाता है। हम नहीं चाहते कि वो पाप करें। हम जानते हैं कि वो पाप है, लेकिन फिर भी हम पाप कर बैठे। इसीलिए रोमन 7:15 में पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, उसने लिखा है, इसलिए जो मैं करता हूं उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा है वही करता हूं। जिस बात से आप घृणा करते हैं, जो आप जानते हैं कि वो पाप है, आप जानते हैं कि ये करना परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, लेकिन वो जो पाप आपके अंदर है वो आपसे करवाता है, इसलिए आप बेबसी दिखाते हैं और तब संकट आपके जीवन में आता है। यहां भजनकार क्या कहता है कि हे छली जीभ, झूठे होंठ, मैं तुम्हारा क्या करूं, मैं तुम्हें कैसे मारूं। वो उनसे घृणा कर रहा है क्योंकि उस छली जीभ ने ही उसे फंसाया है। छले होंठ ही आपको फंसाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में पाप बहुत भयंकर चीज है, लेकिन शैतान जानता है और वो
जब आपको उकसाता है और आप पाप कर बैठे हैं। इसलिए देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएं, शरीर से भी और मन से। नामान कोरी जो कि सीरिया का सेनापति था, उसके कोढ़ था, हालेलुया, वो एलिसा के पास आया ताकि उसका शरीर का कोढ़ दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर चाहता था नामान कोरी के मन को शुद्ध करना। वो चाहता था वो अहंकार, वो स्वार्थ, वो लालच, वो अभिमान नामान कोड़ी के नामान के अंदर से निकले। वो आपका सेनापति था, लेकिन वो चाहता था कि वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और बच्चे की तरह पूरी तरीके से नम्न हो जाए। हालेलुया। इसलिए एलिसा ने कहा कि जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। नामान कोड़ी क्रोधित हो गया, अरे मैं क्यों जाऊं, मैं डुबकी क्यों लगाऊं, क्या मेरे इसराइल में, क्या मेरे सीरिया में नदियां नहीं है? लेकिन परमेश्वर चाहता था कि तू दीन बन, परमेश्वर चाहता था कि तू निम्न बन, परमेश्वर चाहता था कि तू झुक, तू झुकना सीख। परमेश्वर हमें झुकना सिखाता है, परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध करना चाहता है, परमेश्वर हमारे शरीर की शुद्धता से ज्यादा हमारे मन की शुद्धता के लिए बेकरार है। इसलिए उसने नामान कोड़ी को क्या कहा? झुक। और नामान कोड़ी ने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई। बाइबल कहती है जब वो ऊपर आया तो उसका त्वचा बच्चे की तरह पवित्र थी, कोमल थी, और उसका मन भी एक बच्चे की तरह कोमल हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे जीव को हम वश में करें ताकि हम परमेश्वर के चरणों में रहें और परमेश्वर का आशीष पाए। तो यहाँ पर जो भजनकार कहता है, इसलिए मैं आपसे सुनने वाले, देखने वाले हर भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हम अपनी जीव पर कंट्रोल कर सकें, हम अपने होठों पर कंट्रोल कर सकें और इन होठों और इन जीवों को तेरी स्तुति और तेरी आराधना के लिए ही उपयोग करें, किसी की भलाई के लिए उपयोग करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तुम ही महोराधर के योग्य है। हम तेरे चरणों में समर्पित हैं और अपनी जीव का और अपने होठों का हम पूरी तरीके से परमेश्वर की स्तुति और आराधना में ही उपयोग करें। इसलिए परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरा आशीष चाहता हूं, शक्ति मांगता हूं। प्रार्थना अपने सुनियर कबूल की, आमीन।